Hello students, in this lecture we are going to learn about the electric arc welding. So what is electric arc welding? Electric arc welding is a type of fusion welding process. We have learned in the previous lecture. हमने last lecture में देखा था कि welding को तीन group में divide कर सकते हो आप. One is fusion welding, another is solid state, एंड थर्ड इज सोल्डरिंग एंड ब्रिजिंग. तो हमने बात समझा था कि फ्यूजन वेल्डिंग वो वेल्डिंग प्रोसेसेस होती हैं जिसमें कि जो बेस मेटल है वो मोल्टन स्टेट तक जाता है. तो आर्क वेल्डिंग भी एक फ्यूजन वेल्डिंग का ही टाइप है. सो व्हाट इज आर्क वेल्डिंग? इट इज अ टाइप ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस इन विच यू वी यूज द एप्लीकेशन ऑफ हीट. अब हीट कैसे प्रोड्यूस करेगा, उसका कोई सोर्स होगा. तो एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे जो आर्क होती है वो हीटिंग सोर्स होता है. सो हीट इज जनरेटेड बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क. सो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा एक बेसिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में यू आर हैविंग इलेक्ट्रोड जो कि कंज्यूमेबल हो सकता है, नॉन कंज्यूमेबल भी हो सकता है. वो डिपेंड करेगा कि आर्क वेल्डिंग की भी कुछ अपने टाइप्स होते हैं. कौन सी आर्क वेल्डिंग है, कुछ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, कुछ नॉन कंज्यूमेबल. अगर आप नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो फिलर मेटल यूज करना पड़ेगा आपको. नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो आर्क जनरेट हो रही है, आर्क किस किस के बीच में जनरेट होती है? वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के बीच में. आप देख पा रहे हो, आपको एक पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि यहाँ पे करंट पास होगा. हम आगे पढ़ेंगे इसको. यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मोल्टन वेटन किस स्टेट में है, तो अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको. तो अभी हमने पढ़ा कि जो आर्क वेल्डिंग है वो एक फ्यूजन वेल्डिंग का टाइप है जिसमें कि आप आर्क की हेल्प से हीट जनरेट करते हो और वो हीट बेस मेटल को मेल्ट करेगी और सॉलिडिफाई होने के बाद आपको जॉइंट मिल जाएगा. सो द मेन क्वेश्चन इज हाउ टू जनरेट द आर्क, कि वेल्डिंग प्रोसेस में आर्क जनरेट कैसे होगी, वो चीज़ हमें समझनी है. सो आर्क इज जनरेटेड बिटवीन द टू कंडक्टर्स एंड वन ऑफ द कंडक्टर्स इज द इलेक्ट्रोड एंड अनदर इज योर वर्क पीस. तो आर्क जो जनरेट होगी वो आपकी इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में जनरेट होगी. सो आर्क इज जनरेटेड बिटवीन टू कंडक्टर्स, दोनों ही कंडक्टर्स होंगे. व्हेन दे टच टू एस्टेब्लिश द फ्लो ऑफ करंट एंड देन सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. जब आप वेल्डिंग करते हो आर्क वेल्डिंग, तो आपने देखा होगा इनिशियली टच करते हैं इलेक्ट्रोड को वर्क पीस से, बाद में उसे थोड़ी गैप से आप डिस्टेंस पे मेंटेन करते हो जिससे कि जो फ्लो ऑफ करंट है वो स्टार्ट हो जाए. जैसे ही आपका सर्किट कंप्लीट होगा, फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट होगा, तो उसके बाद आप डिस्टेंस को मेंटेन करोगे तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा उसके एयर गैप का, तो वहाँ पे हीट जनरेट होगी. आप समझ गए होंगे किस तरीके से है कि जो आपका इलेक्ट्रोड है उसे आप पहले टच करोगे. जैसे ही टच करोगे तो विद द हेल्प ऑफ पावर सप्लाई कि जो करंट है वो इलेक्ट्रोड से वर्क पीस की तरफ चला जाएगा और बीच में आप बाद में गैप मेंटेन करोगे तो वहाँ पे एयर गैप आएगा. एयर का आपको पता, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे हीट जनरेट होगी और उसी हीट की हेल्प से आप जो वर्क पीस है, जो बेस मेटल है, उसे आप मेल्ट करोगे और मोल्टन स्टेट में आने के बाद वो आपका जॉइंट होगा. सो द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ आर्क. आर्क का प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से आर्क जनरेट हो रही है? फर्स्ट आपको पता है इनिशियली टच करना पड़ता है, देन अ सूटेबल गैप इज रिक्वायर्ड. अ सूटेबल गैप इज कैप्ट बिटवीन द वर्क एंड इलेक्ट्रॉन. अगर गैप ज़्यादा रखोगे तो फ्लो ऑफ करंट बंद हो जाएगा. अगर आप बिल्कुल क्लोज ले आओगे तो आपके इलेक्ट्रॉन वर्क भी स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं. नेक्स्ट, अ हाई करंट इज पास थ्रू द सर्किट. आर्क के लिए आपको एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ करंट चाहिए जो कि पास करना होगा. देन विद द हेल्प ऑफ आर्क यू विल बी गेटिंग अ टेम्परेचर ऑफ 3000 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस.
दिस हीट मेल्ट्स द एजेस टू द वेल्ड एंड मोल्टन पॉलिश फॉर्म। ये जो हीट आपकी फॉर्मेशन होगा ये आपको बेस मेटल को मेल्ट करेगा और उसे सॉलिडिफाई होने के बाद आपको जॉइंट मिल जाएगा। ये प्रिंसिपल है आर्क। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हो डिफरेंट कलर से हमने आर्क को दिखा रखा है रेड कलर से कि जो पावर सप्लाई है वो आपको यहाँ से करंट प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोड से और वर्कपीस के बीच में फ्लो होगा करंट और इन बिटवीन यू आर हैविंग एयर गैप और एयर गैप का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए यहाँ पे हीट सोर्स यहाँ पे हीटिंग डेवलप होगी और उस हीटिंग से ही इतना टेम्परेचर जनरेट होगा कि जो आपका वर्क पीस है जो बेस मेटल्स हैं वो मोल्टन स्टेट में पहुँच जाएंगे। ओके नाउ अब तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए इसमें, इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं, फिलर मेटल यूज करना है या नहीं करना है, पावर सप्लाई कौन सी होनी चाहिए एसी या डीसी। तो इन्हीं से हम आर्क वेल्डिंग को भी आगे क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट हम इलेक्ट्रोड को देखते हैं किस किस टाइप का इलेक्ट्रोड आप यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रोड मेनली आपके दो टाइप के होंगे, कंज्यूमेबल है नॉन कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल इन दी सेंस कि जो इलेक्ट्रोड है उसके अंदर से वायर फीड होगा और वो ही मेल्ट होके गिरता रहेगा। सेकंड नॉन कंज्यूमेबल में आप सेपरेटली फिलर मेटल यूज करोगे जो मेल्ट होगा और आपका मोल्टन स्टेट में वर्क पीस के साथ कंबाइन हो जाएगा। कहने को तो दोनों में ही मेल्टिंग हो रही है बट एट द सेम टाइम कंज्यूमेबल में आपका इलेक्ट्रोड के अंदर से ही वायर आता है जो कि फिलर मेटल है बट उसे फिलर नहीं बोलते, यहाँ पे इलेक्ट्रोड ही एक तरीके से मेल्ट हो रहा है ऐसे बोलते हैं। नॉन कंज्यूमेबल में इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होगा, सेपरेटली फिलर मेटल आप यूज करोगे वो मेल्ट होगा। नेक्स्ट जो कंज्यूमेबल है वो भी दो टाइप का हो सकता है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो है उसमें कोटिंग आप लगा दोगे तो कोटेड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड बोलोगे, कोटेड नहीं है तो अनकोटेड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। अब हम देखेंगे कोटिंग क्यों करते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कोटिंग। कोटिंग का मेन यूज होता है कि जो कोटिंग बर्न होने के बाद शील्डिंग गैसेज प्रोड्यूस करती है। सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कोटिंग इज टू प्रोवाइड शील्डिंग गैस अराउंड आर्क एंड वेल्ड पूल, जहाँ पे जिस एरिया में आपकी वेल्डिंग होनी है उसके सराउंडिंग में वो शील्डिंग गैस प्रोवाइड करेगा। कैसे, आफ्टर मेल्टिंग, मेल्ट होगा उसके बाद जैसे ही वो बर्न होगा गैसेज प्रोड्यूस होंगे वो गैसेज ही शील्डिंग गैस का काम करेंगे। नेक्स्ट टू प्रोवाइड फॉर्मेशन ऑफ स्लैग टू रिड्यूस रैपिड कूलिंग, ये एक लाइट सब्सटेंस क्रिएट करेगा स्लैग जो कि आपका फ्लोट होके वेल्ड पूल के ऊपर आ जाएगा। अब इससे होगा क्या, अगर आप एनवायरनमेंट में डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा आपका सॉलिड मेटल का एनवायरनमेंट के साथ तो रैपिड कूलिंग होगी जिससे कि आपका जो वेल्ड है वो ब्रिटल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए अगर स्लैग उसके ऊपर रहेगा तो स्लो कूलिंग होगी, अगर कूलिंग रेट स्लो होगा तो आपका ब्रिटलनेस थोड़ी कम हो जाएगी तो जो वेल्ड जॉइंट है वो अच्छा मिलेगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अच्छी होंगी उसकी। नेक्स्ट कि जो आपके आर्क है उसे मेंटेनेंस में हेल्प करता है आपकी। नेक्स्ट टू इंट्रोड्यूस अलोइंग एलिमेंट्स, समटाइम्स क्या होता है कि कुछ अलोइंग एलिमेंट्स उसमें होते हैं कोटिंग में जो कि आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ओके नेक्स्ट टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग, हमने पढ़ लिया है कि आर्क वेल्डिंग क्या होती है, आर्क की हेल्प से मोल्टन मेटल बेस मेटल को मोल्टन स्टेट में ले जाते हो, वहाँ पे सॉलिडिफाई होने के बाद उसे वेल्ड जॉइंट मिल जाता है। अब आर्क किस किस तरीके से जनरेट कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर हैविंग सम टाइप्स। सो फर्स्ट इज योर शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, सेकेंड इज सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, नेक्स्ट इज गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग जिसे हम टिग भी बोलते हैं, नेक्स्ट इज गैस मेटल आर्क वेल्डिंग जिसे मेग भी बोलते हैं, एंड लास्ट इज फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। ये आपको आर्क वेल्डिंग में पढ़नी है सर। तो फर्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट द शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। व्हाट इज शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, एज द नेम सजेस्ट शील्डेड, व्हाट इज शील्डेड,
इलेक्ट्रोड इज शील्डेड बाय द कोटिंग। तो इसका मतलब इस वेल्डिंग प्रोसेस में आपका जो कैसा इलेक्ट्रोड यूज करने वाले हो आप, कोटेड इलेक्ट्रोड। इसको मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। इन दिस वी यूज कोटेड इलेक्ट्रोड्स। अब कोटिंग कौन सी यूज करनी है, देर आर लॉट्स ऑफ कोटिंग्स मटेरियल्स अवेलेबल दैट टोटली डिपेंड अपॉन दी वेल्ड कंपोजिशन, कि वेल्ड का कंपोजिशन क्या है आपका, उसके बेसिस पे आप कोटिंग प्रोवाइड करते हो इलेक्ट्रोड पे। नेक्स्ट, जो आपका इलेक्ट्रोड होगा वो वायर की फॉर्म में होगा, इसमें आगे डायग्राम में देखेंगे हम। नाउ द टेम्परेचर यू विल बी ऑब्टेनिंग इज अराउंड 2400 डिग्री सेल्सियस ऑन द एनोड एंड 2600 डिग्री सेल्सियस ऑन द कैथोड। एनोड कैथोड क्या है, वर्क पीस और इलेक्ट्रोड ही एनोड कैथोड होंगे आपके। वो डिपेंड करेगा कि पावर सप्लाई किस तरीके से आपने लगाई है। जो पॉजिटिव एंड जहाँ पर लगेगा वो एनोड बन जाएगा, अगर नेगेटिव एंड जहाँ पर होगा वो आपका कैथोड बन जाएगा। नेक्स्ट, आप देखिए डायग्राम में, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोड वायर है इन बिटवीन जो ब्लैक कलर में आपको दिखाया हुआ है, और जो साइड्स में है वो कोटिंग, इलेक्ट्रोड कोटिंग। उसके बाद आप आर्क देख सकते हो, और ये साइड्स में आपका क्या है, गैसेज है। ये जब कोटिंग बर्न होगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी, ये हमने अभी समझा था कि ये क्या करेगी आपकी गैसेज, शील्डिंग गैसेज, एंड एट द सेम टाइम वो स्लैग भी बनाएगी आपको। स्लैग देखिए जो आपका है टॉप पे आ गया बिल्कुल। तो शील्डेड मतलब प्लान में ही हमने देख पढ़ा था अभी कि इलेक्ट्रोड कोटेड यूज करेंगे, वायर फॉर्म में आपका इलेक्ट्रोड होगा। ओके, आप इसको इसमें भी देख सकते हो कि जो आप इंडस्ट्रियल में आप नॉर्मली करते हो तो इस टाइप का आपको दिखता है, वायर फॉर्म का आपका ये दिख रहा होगा। इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड होल्डर है, जो जो हैंड पे पकड़ा हुआ इलेक्ट्रोड होल्डर है, उसके बाद ये इलेक्ट्रोड है और ये आर्क जनरेट हो रही है आपकी। ये टच नहीं है बिल्कुल भी, जो आपका इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में एक ऑप्टिमम गैप है जिसके कारण ये करंट पास हो रहा है वहाँ से। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप इज योर सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। एज द नेम सजेस्ट, आर्क ही सबमर्ज हेयर, यू विल नॉट बी एबल टू सी द आर्क। इस प्रोसेस में आपको आर्क नहीं दिखती है। एंड वेयर इट इज सबमर्ज, इट इज सबमर्ज इन साइड द फ्लक्स। सो द प्रोसेस इज डन बाय एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोड फीडिंग मशीन। अभी आगे देखेंगे हम, इलेक्ट्रोड फीडिंग मशीन होती है जहाँ पे आपका फीडिंग होती रहती है कंप्लीटली ऑटोमेटिक फ्लक्स की, और आर्क उसके अंदर जनरेट होती है। इसमें हम बेयर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, कोटेड नहीं होता इलेक्ट्रोड, और जो उसकी फीडिंग है इलेक्ट्रोड की वो थ्रू द नोजल होती है ऑटोमेटिक। देखिए जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो यू आर हैविंग अ हुपर जो कि फ्लक्स को आपका फीडिंग करेगा। नेक्स्ट इज योर वायर फीड, सेंटर में देखिए एरो दिखा रखा है टू ऑटोमेटिक वायर फीड। सो फ्लक्स के अंदर यह जनरेट होगी, यू विल नॉट बी एबल टू सी दी आर्क। इसमें बहुत बहुत अच्छा वेल्ड बनता है, इसे साउंड वेल्ड होते हैं, प्रॉपर्टीज मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती हैं। बिकॉज हेयर दी आर्क इज इन नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द एयर, सो जो कॉल्ड कूलिंग है वो यूनिफॉर्म होगी एंड स्लो कूलिंग होगी, जिससे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी मिलेंगी आपको। सो इस जॉइंट को की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे होते हैं। इस ब्लॉक में देख सकते हो आप लाइक दैट, ये ब्लॉक डायग्राम ये भी है। वायर रील देखिए ऊपर से टॉप से वर्टिकल, एंड यू आर हैविंग अ कंट्रोलिंग सिस्टम फॉर दैट। यहाँ पे फीडिंग देख सकते हो आप, पावर सोर्स के बाद डायरेक्टली बेस मेटल उसके साथ अटैच है, तो इस टाइप से आप इसको करते हो। नेक्स्ट टाइप इज योर गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेल्डिंग इन टर्म्स of your examination. Lots of questions are generally asked from this type of welding, gas tungsten arc welding, popularly known as TIG, tungsten inert gas welding. So in this type of welding you will be using a non-consumable electrode mainly of tungsten. Yahan pe tungsten
नेम आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड यूज करोगे आप टंगस्टन का एंड इट विल नॉट बी कंज्यूमेबल, वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड टंगस्टन यूज करते हैं। सो इसके लिए आप फिलर मेटल सेपरेटली प्रोवाइड करोगे, पहले आपको बता चुके हैं कंज्यूमेबल है तो फिलर मेटल यूज नहीं करोगे सेपरेटली, उसी के अंदर से आएगा। अगर आप नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो आपका फिलर मटेरियल सेपरेटली प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको। सो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस विच जॉइंट्स मेटल्स बाय हिटिंग देम विद एन आर्क एस्टेब्लिश बिटवीन अ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड द वर्क वर्क पीस और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क जनरेट होगी और उसी से आप वेल्डिंग करोगे। एंड नेक्स्ट इज सील्डिंग ऑफ द आर्क विल बी प्रोवाइडेड एक्सटर्नली बाय द एक्सटर्नल गैस। यहाँ पे आपको जो सील्डिंग गैसेज है वो सेपरेटली प्रोवाइड करोगे विद द हेल्प ऑफ सेपरेट सिलेंडर, सेपरेट सिलेंडर से आपका इलेक्ट्रोड के अंदर सप्लाई आएगी और वहाँ से उसे गैसेज को सेप सराउंड करेगी वेल्ड पूल को लाइक दैट। आप इसको देखोगे इंडस्ट्री में आपको इस टाइप से टॉर्च दिखेगा आपको, दिस इज योर टिक वेल्डिंग। सो हेयर यू कैन सी दैट इन बिटवीन यू आर हैविंग अ टंगस्टन इलेक्ट्रोड दैट इज नॉन कंज्यूमेबल एंड सेपरेट फिलर मेटल इज देयर एंड इन इलेक्ट्रोड यू आर हैविंग अ शील्डिंग गैस कॉम्बिनेशन। अपन नेक्स्ट डायग्राम में आप इसे देख सकते हो कि आपके पास एक इनर्ट गैस या शील्डिंग गैस का एक सिलेंडर होगा, तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रोड के अंदर ही वो गैसेस जाएंगी और सराउंडिंग में आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यहाँ पे। तो इस टाइप से आप इसे यूज करते हो दिस। सो नेक्स्ट इज योर गैस मेटल आर्क वेल्डिंग पॉपुलरली नोन एज मिग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। सो हेयर यू विल बी यूजिंग दी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, टिग और मिग में ये डिफरेंस होता है, टिग में आप नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हो, मिग में आप कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हो। दोनों में गैसेस की सप्लाई एक्सटर्नली प्रोवाइड की जाती है। सो GMAW इज इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस विच जॉइंट्स मेटल्स बाय हीटिंग देम विद एन आर्क एस्टेब्लिश बिटवीन अ कंटिन्यूअस फिलर मेटल इलेक्ट्रोड दैट इज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस। आर्क जनरेट होगी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में और उसी आर्क के टेम्परेचर की हेल्प से आप वेल्डिंग प्रोसेस करोगे। हेयर ऑल्सो यू विल गेट द शील्डिंग गैसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लाई। सो वॉट इज द कॉमन इनटेक एंड में यू विल बी प्रोवाइडिंग द शील्डिंग गैस विद एक्सटर्नल सिलेंडर्स, बट द डिफरेंस इज दैट हेयर यू आर यूजिंग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड इन टिग वेल्डिंग यू विल बी यूजिंग नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोड है उसी के अंदर से आपकी वायर आ रही है जो कि आपकी मेल्ट होके मोल्टन स्टेट का पार्ट बनेगी। शील्डिंग गैसेस के लिए आप सेपरेट सिलेंडर यूज करते हो लाइक दैट। सो हेयर यू कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज एन आर्क वेल्ड पूल इज देयर इलेक्ट्रोड इज इन द फॉर्म ऑफ वायर विच इज प्रोवाइडेड बाय द सर्वो मैकेनिज्म। सो इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक एंड मिग, सो द मेन डिफरेंस इज दैट इन टेक वी आर यूजिंग नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड विच इज ऑफ मेनली टंगस्टन एंड इन मिग यू आर यूजिंग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड which is the same as that of your base metals. So thank you.